हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएस गुरुजी में। क्या करते हैं जब आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, और क्या करना चाहिए? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो क्यों नहीं सोचा है भाई, सोचिए। अभी आपके अंदर कौन सा पैशन है उसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जब कभी भी आप बोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं। यदि आपको कोई ऐसा कार्य हो जिसको आप बोर होने पर करें और आप बहुत ही ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हों, जिस कार्य को करने पर आप बोर नहीं हो रहे हों, वही आपका पैशन है, वही आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। अब आज के दौर में यह सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मैं तो टीवी देखने से बोर नहीं होता, सर मैं तो वीडियो गेम खेलने से बोर नहीं होता, सर मैं तो वीडियोज़ देखने से बोर नहीं होता, मैं तो खाना खाने से भी बोर नहीं होता। तो भाई लोग, इन सब में करियर है, और यह बहुत ही ज़्यादा आपको जानकर खुशी होगी कि हर जगह पर आप आपके करियर को खोज सकते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर करियर की संभावनाएं नहीं हैं। आप जहां पर बैठे हैं, आप जहां पर खड़े हैं, आप जहां पर कार्य कर रहे हैं, आप जहां पर सो रहे हैं, वहां पर सब जगह करियर है। बस आपको उस नज़र की ज़रूरत है जो उस करियर को पहचान सके, उस करियर को जान सके। आप कैसे जानेंगे? मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, तो आप टीवी के सत्र में देखिए, आप टीवी देखते देखते ही यह सोचिए कि टीवी में किस प्रकार से किस जगह पर कौन कौन सा करियर है। सबसे नंबर एक करियर है टीवी में, आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं वहाँ पर राइटिंग का करियर है, वीडियोग्राफी का करियर है, एडिटिंग का करियर है, डिज़ाइनिंग का करियर है, डेवलपमेंट का करियर है, इस क्रिएशन का करियर है, इधर से स्टूडियो डिजाइनिंग का करियर है, सेट डिजाइनिंग का करियर है। मतलब आप जहां पर भी बैठे हैं ना, वहां पर बहुत ही सारे करियर हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आप ऐसा नहीं सोचे कि करियर कहां है, क्या है। बस आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है, आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि मैं किसी भी चीज से किस प्रकार से पैसा निकाल सकता हूं, किसी भी चीज को किस प्रकार से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब तक आप अपने आपके लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं सीखेंगे, जब तक आप यह नहीं सोचेंगे कि किस प्रकार से इस जगह से पैसा, इस जगह से करियर मेरे लिए निकल सकता है, तब तक आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, कहीं भी सफल नहीं हो सकते। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्या करते हैं? आप पता करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बेहतर बना सकती है, कौन कौन से नोट्स आप काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से होल ओवर द वर्ल्ड आपके लिए करियर है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। आपको इतना डिसाइड करना है कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है, किस प्रकार से आपको उसमें वर्क करना है, और किस प्रकार से वह आपके लिए वर्क कर सकती है। बस इतना सा समझने की ज़रूरत है। आपको आने वाले फ्यूचर में यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को कौन सा काम करना चाहिए और मेरे को काम कैसे मिलेगा। जब आप ये मन में ठान लेंगे कि मेरे को काम चाहिए और यह काम मेरे को यहाँ से निकालना है, मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं वीडियो बना भी सकता हूँ, मैं खाना खाता हूँ तो मैं खाना खिला भी सकता हूँ, मैं खाना बना भी सकता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ तो मैं गेम डेवलप भी कर सकता हूँ, और मैं गेम खेल के लोगों को इंटरटेन भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से जब आप सोचेंगे, इस प्रकार से जब आप अपने थिंकिंग को पैसे बनाने के लिए मोड़ेंगे, तभी जाकर आप आपके करियर को बेहतर बना पाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ में आज ही से और अभी से जुट जाइए कि किस प्रकार से पैसे निकाले जाएं, कहां से पैसे आएंगे, और जब तक पैसे नहीं आएंगे तो फिर आप यह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप हर कार्य को अपने हिसाब से इस तरह से मोड़े कि सारा मामला कहाँ पर जाकर फिट हो, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने पर फिट हो, आपको अच्छे पैसे मिलने पर फिट हो। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। यह बात आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटा जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।